सुबह खाली पेट एक इलायची खाने से जड़ से खत्म हो जाते हैं यह रोग। इलायची के फायदे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने YouTube पे, इंटरनेट पे इलायची खाने से संबंधित काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, जहां पर आपको बताया जाता है कि इलायची खाने के यह फायदे होते हैं, आपको गर्म पानी के साथ खानी चाहिए, सुबह खाली पेट खानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सही तरीका कोई नहीं बताता। हमारी जो बॉडी होती है उसकी तीन तरह की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। दोस्तों, तीनों तरह की प्रकृति में अलग अलग तरीके से इलायची का सेवन करना चाहिए, किस समय पर सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए और क्या क्या 7 से 8 बहुत ही गजब के, खासकर दोस्तों ये वीडियो लड़कों को अंत तक अवश्य देखनी चाहिए। दोस्तों, इतने गजब के, इतने बेहतरीन फायदे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद में दोस्तों आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं रोजाना डेली बेसिस पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। चलिए जानते हैं सबसे पहले बेनिफिट के बारे में, किस तरह से आपको सेवन करना है और वात, पित्त और कफ के प्रकृति के लोगों को किस किस समय पर सेवन करना है। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बेनिफिट के बारे में बात करें तो दोस्तों, इलायची को टेस्टी चाय बनाने में यानी कि टी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खाने में फ्लेवर को एनहांस करने के लिए यानी कि बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, प्राचीन काल से हमारे भारतीय कल्चर में, इंडियन कल्चर में दोस्तों इलायची का प्रयोग माउथ फ्रेशनर के तौर पर किया जाता है। अगर आपके मुंह से बहुत ही भयंकर, भयानक बदबू आती है, बहुत ही गंदी स्मेल आती है, ब्रश भी करते हैं उसके बाद भी बदबू जा नहीं रही है, तो दोस्तों जो मिंट के पत्ते होते हैं, साथ में 2 मिंट के पत्ते और दोस्तों 2 इलायची, इस तरह से अगर आप चबा चबा के सुबह उठते साथ हल्के गुनगुने पानी के साथ में धीरे धीरे करके 15 से 20 मिनट लगाकर अगर आप सेवन करते हैं तो 2 से 3 दिन के भीतर भीतर पूरी तरह से भयानक 5 साल 10 साल पुरानी बदबू भी जड़ से खत्म हो जाती है, जो कि आपके मुंह से आती है। दोस्तों, आपको ही पता है कितना गंदा लगता है अगर आपके मुंह से बदबू आती है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, अगर आप सुबह खाली पेट उठ के हल्के गुनगुने पानी के साथ चबा चबा कर 1 से 2 इलायची का सेवन करते हैं तो दोस्तों ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से मदद करती है। साथ में अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपाल भाती प्राणायाम करते हैं तो दोस्तों 5 साल 10 साल 20 साल पुराना हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, थायराइड की समस्या पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाती है 1 से 1.5 महीने के भीतर भीतर। चलिए बात करते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण फायदे के बारे में। दोस्तों, अगर आपका सुबह उठ के पेट साफ जल्दी नहीं होता यानी कि अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, अगर आपको पेट साफ करने के लिए कब्ज की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो दोस्तों 1 से 2 इलायची आपको ले लेनी है, साथ में 1 चम्मच शहद यानी कि दोस्तों हनी आपको साथ में अगर आप सुबह उठ के चबा चबा कर 5 से 10 मिनट लगा के थोड़ा थोड़ा करके सेवन करते हैं तो दोस्तों आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, एक ही बार में पेट को साफ करने में, साथ में कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करने में 3 से 4 दिन के भीतर भीतर बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से मदद करता है। दोस्तों, ये जो मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ, ये आज से हजारों साल पहले हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में वाग्भट ऋषि जी ने दी थी। तो दोस्तों, जितने भी मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, अपनी शरीर की प्रकृति के अनुसार अगर आपको वात, पित्त, कफ रहता है तो जल्दी से इलायची का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, जिनको वात प्रकृति रहती है यानी कि जिनके जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है, हाथों पैरों में, कमर में दर्द होता है, अर्थराइटिस की जिनको समस्या रहती है, हड्डियों में दर्द होने की जिनको समस्या रहती है, सूजन हो जाती है दोस्तों घुटनों में, इसका मतलब है कि उनकी वात प्रकृति बिगड़ गई है। दोस्तों, उनको इलायची का सेवन सुबह ना करके शाम को करना चाहिए, खाना खाने से 1 से 2 घंटा पहले, जिस टाइम पे 4 से 5 बजते हैं और हमारा स्नैक्स करने का वक्त होता है, दोस्तों उस समय पर आपको हल्के गुनगुने पानी के साथ में करना चाहिए। बाकी दोस्तों, पित्त और कफ प्रकृति के लोगों को दोस्तों सुबह ही इसका सेवन करना चाहिए खाली पेट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ हर बीमारी में। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में।
दोस्तों, अगर आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं रहती है, सफुर्ती नहीं रहती है, ताकत की कमी हो चुकी है, एनर्जी लेवल अगर आपका काफ़ी लो हो चुका है बॉडी का, देखिए दोस्तों आजकल का हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब हो चुका है। हम गंदी बेकार सी तली मली चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, हमारा खाना पीना टाइम पे नहीं होता है। सुबह 8-9 बजे 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, जबकि हमको 5:30 बजे 6 बजे सुबह उठ के नाश्ता कर लेना चाहिए। रात का खाना हम सूर्य डूबने के बाद में करते हैं, यानी कि सनसेट के बाद में करते हैं, जो कि पहले होना चाहिए, यानी कि 5:30-6 बजे के आसपास में होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब बिगड़ने के कारण हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, इसके अलावा स्फूर्ति खत्म हो जाती है, चुस्ती फुर्ती खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या रहती है तो 1 चम्मच शहद के साथ में 1 से 2 इलायची का सुबह चबा चबा कर अगर आप सेवन करते हैं तो दोस्तों ताकत को, स्फूर्ति को, चुस्ती फुर्ती को बढ़ाने में भी बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन तरीके से ये मदद करता है। दोस्तों अगर हम अगले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों अगर आपके चेहरे पे ग्लो नहीं रहती है, चमक नहीं रहती है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपके फेस पे रिंकल्स आ गए हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है इलायची के साथ में शहद का सुबह खाली पेट उठ के सेवन करना। दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं दोस्तों उसकी ऑक्सीडेशन को स्लो करने के लिए, हमारा सेल्स का प्रोसेस होता है बॉडी में जो कि ऑक्सीडेशन होता है, उसी के कारण दोस्तों हमारी एजिंग होती है, यानी कि हमें बुढ़ापा आना जल्दी शुरू हो जाता है। कई लोगों को 30-32 की उम्र में बुढ़ापा आ जाता है आजकल, पहले जो कि 50-55 की उम्र में आता था। तो दोस्तों अगर आपको बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, आपकी एजिंग जल्दी हो रही है, तो ये एजिंग को डिले करने में, चेहरे पे ग्लो लाने में, चमक लाने में, इसके अलावा दोस्तों आंखों की रोशनी और बालों का झड़ना जिनका बहुत ज़्यादा होता है उसको भी दोस्तों ये रोकने में और बालों को लंबा मोटा घना करने में, वॉल्यूम देने में बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से मदद करता है। और दोस्तों इलायची के साथ में अगर आप मिश्री का सेवन करते हैं तो आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने में काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये मदद करता है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम अगले और सबसे महत्वपूर्ण फायदे के बारे में बात करें, अगर आप सुबह उठ के खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ या फिर दोस्तों शहद के साथ, 1 चम्मच शहद के साथ 1 से 2 इलायची का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपकी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बढ़ाने में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करता है। दोस्तों क्या होगा, अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो दोस्तों मौसम चेंज होने की वजह से अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, इसके अलावा बुखार अगर आपको बहुत जल्दी हो जाता है, और भी रोग अगर आपको बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, आप जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो दोस्तों अगर आप खासकर शहद के साथ में सुबह चबा चबा कर, यानी कि एकदम दोस्तों धीरे धीरे करके, टेस्ट कर करके, अगर आप 1 से 2 इलायची को पीस के हवाम दस्ते में, खरड़ में, जो कि पत्थर की मसाले पीसने वाली में खरड़ होती है, हमारे घर में माताएं बहनें जिसका प्रयोग करती हैं, उसके बीच में 2 इलायची को पीस कर साथ में 1 चम्मच शहद का सेवन करते हैं तो दोस्तों इम्यूनिटी को बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बूस्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों ये रक्त शुद्धि करने में, यानी कि ब्लड को प्यूरीफाई करने में भी बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से मदद करता है। अगर आप सुबह उठ के खाली पेट शहद के साथ या फिर हल्के गुनगुने पानी के साथ में 1 से 2 इलायची का सेवन करते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हुई। चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।